हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर पैट कमिंग्स के बॉलिंग एक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और उनके बॉलिंग एक्शन के पीछे के सभी की अट्रैक्टर्स को भी जानेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में यूज़ की गई सभी टर्मिनोलॉजीज़ का क्रेडिट स्टीफन जॉन्स को जाता है। तो बिना और टाइम वेस्ट किए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पैट कमिंग्स के रनअप की बात करें तो पैट कमिंग्स एक डिसेंट और स्टडी रनअप से आते हैं। वो अपनी स्पीड अपने रनअप में ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, साथ ही साथ उनका रनअप एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो अब अगर हम उनके जंप और गैदर की बात करें तो वो एक लॉन्ग जंप लेते हैं। अगर हम उनके ओल्ड बॉलिंग एक्शन को देखें तो वो अपने पुराने बॉलिंग एक्शन में एक हाई जंप लिया करते थे, जिसे उन्होंने चेंज करके अब लॉन्ग जंप में कन्वर्ट कर दिया है। वो अपने पहले के एक्शन में अपने बॉलिंग आर्म को अपने बॉडी से दूर गैदर करते थे और उनका लोड अप उनके बॉडी के पीछे ज़्यादा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने एक्शन को रीमॉडल किया और अपने गैदर को अपने बॉडी के क्लोज लेने लगे और साथ ही साथ अपने लोडअप को अपने बॉडी के बैक साइड रखने की जगह उन्होंने अपने लोडअप को अपने बॉडी के साइड में कर लिया, जिसके कारण उन्हें अपने बॉडी के काउंटर रोटेशन और लेटरल फ्लेक्शन को कट डाउन करने में काफ़ी मदद मिली। साथ ही साथ वो अपने इनिशियल डेज में एक मिक्स्ड बॉलिंग एक्शन के साथ बॉलिंग कराते थे, यानी कि उनकी लोअर बॉडी अंपायर की तरफ फेस करती थी और अपर बॉडी बैट्समैन की तरफ, जिसके बाद उन्होंने डेनिस लिली के साथ कंसल्टेंस ली और पता किया कि अपने बॉडी के लोअर हाफ को चेंज करना मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने अपने बॉडी के अपर हाफ को एक फ्रंट ऑन से साइड ऑन पोजीशन में ले आया, जिसके कारण अब वो एक प्रॉपर साइड ऑन बॉलर है। अब अगर हम उनके बैकफुट कॉन्टैक्ट की बात करें तो पैट कमिंग्स का बैकफुट कॉन्टैक्ट काफ़ी क्विक है। वो अपने बैकफुट कॉन्टैक्ट पे अपने हील्स को कभी भी ग्राउंड से टच नहीं करते, जिसके कारण वो अपना पूरा मोमेंटम अपने बैकफुट से अपने फ्रंट फुट पे बिना कोलैप्स किए ट्रांसफ़र कर पाते हैं। साथ ही साथ उनका प्रीटर्न काफ़ी नाइस और स्मूथ होता है और वो अपने बैकफुट कॉन्टैक्ट के वक्त अपने नॉन बॉलिंग आर्म को उसके हाइएस्ट पोजिशन पर रखते हैं, जिसके कारण उन्हें अपना फुल आर्म स्विंग भी मिलता है और साथ ही साथ अपने बॉलिंग आर्म को डिले करने में भी मदद मिलती है। अब अगर हम उनके डिलीवरी स्ट्राइड और फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट की बात करें तो वो अपने डिलीवरी स्ट्राइड के वक्त एक स्पीड बोल्ट जेड पोजीशन बनाते हैं, जिसके कारण उन्हें फास्ट बॉल डालने में तो हेल्प मिलती ही है, साथ ही साथ बॉल रिलीज के वक्त अपने बॉडी के प्रॉपर अलाइनमेंट को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। जैसा कि हम अभी देख सकते हैं कि वो अपने पुराने बॉलिंग एक्शन में अपने फेस को गली पॉइंट की तरफ फेस किया करते थे, लेकिन उन्होंने अपने एक्शन को अब चेंज किया है, जिसके बाद उन्होंने अपने बॉडी के अलाइनमेंट को और स्ट्रेट किया है और अब उनका फेस बैट्समैन की तरफ पॉइंट करता है। साथ ही साथ उनके बॉलिंग एक्शन में हाई नी एंगल भी नहीं है, जो कि शॉन टेट और ब्रेटली के बॉलिंग एक्शन में होता था। फिर भी वो अपने हेड को काफ़ी स्टेडी और स्टिल रखते हैं, जो कि उनके पहले के बॉलिंग एक्शन में एक मेजर फ्लॉ था। मतलब कि वो अपने फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट से पहले ही अपने हेड को फॉल कर दिया करते थे, लेकिन अपने एक्शन को चेंज करने के बाद उनका हेड का पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्टेडी और स्टिल हो चुका है और हमेशा ही बैट्समैन की तरफ फेस करता है। साथ ही साथ अपने डिलीवरी स्ट्राइड पे वो अपने बैकफुट को अपने बॉडी की तरफ पुल करके एक इन्वर्टेड वी शेप भी बनाते हैं, जिससे उन्हें एक नाइस और स्ट्रेट चेस्ट ड्राइव भी मिलती है और उनका फ्रंट फुट डिलीवरी स्ट्राइड पर हमेशा ही ब्रेस्ड रहता है, जिससे उन्हें और स्पीड जनरेट करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। पैट कमिंग्स का बॉल रिलीज अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 feet का होता है। अच्छी हाइट होने के कारण वो पिच से अच्छा खासा बाउंस और पेस जनरेट कर लेते हैं, साथ ही साथ उनका फॉलो थ्रू भी काफ़ी नाइस एंड स्ट्रेट है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के टेक केयर, गुड बाय।